Hey friends, what's up? Myself Devansh Chaturvedi, back with another video, and this time it's 51187 Bhusawal Katni passenger. So friends, आज की जो वीडियो है हमारी काफ़ी लंबी होने वाली है. मैं सभी को स्टार्टिंग में ही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं या 144 पिक्सल में देख सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वन आवर की ये स्पेशल मैंने वीडियो बनाई है फॉर मिस्टर रमेश महाजन जी. आज हमारी जर्नी रहेगी गाइस भुसावल से नेपा नगर स्टेशन तक. एक घंटे के अंदर हमें वो कवर करना है कैसे भी करके. और आज हमें जो लोकोमोटिव मिला है वो है कटनी शेड का WTM 2 16736. इसका रूट नंबर है. हमारी करंट लोकेशन है भुसावल जंक्शन, प्लेटफॉर्म नंबर 5. हम यहाँ से डिपार्ट के लिए रेडी ही हैं. बस हमारा डिपार्टिंग टाइम होने वाला है एक मिनट के अंदर. वैसे तो गाइस इसका डिपार्टिंग टाइम ही इस ट्रेन का यहाँ से 9:30 का होता है. सो हमारा 9:30 हो ही गया. चलिए 10 सेकंड के अंदर यहाँ से डिपार्ट करते हैं. आप देख रहे होंगे कोई फ्रेट ट्रेन जो है क्रॉस कर रही है भुसावल स्टेशन. चलिए हमें यहाँ से दिख जाएगी. देख रहे होंगे आप किसी वैक 7 के साथ BCNA रेक क्रॉसिंग भुसावल जंक्शन. चलिए हमारी ट्रेन ने भी हॉर्न बजा दिया, तो तैयार रहते हैं यहाँ से डिपार्टिंग के लिए. सो फ्रेंड्स, अपना खाने वगैरह का जो भी है वो आप खरीद सकते हैं पहले ही या फिर रख सकते हैं. चलिए जर्नी शुरू करते हैं, आज एक घंटे की स्पेशल जर्नी. अरे यार, हमने तो रिवर्सर ही रिवर्स में नहीं लगाया और हम चलने के लिए थ्रॉटल पावर भी इंक्रीज कर दी. चलिए कोई बात नहीं, 15 किलोमीटर पर आवर का हमारा जो है लिमिट है. सो TSR है, उसे फॉलो ही करना पड़ेगा हमें. आप देख रहे होंगे कोई अल्कोहल ट्रेन भी खड़ी है भुसावल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है गाइस वो. अरे ये तो आगे बढ़ गई. इसका जाने का यार टाइम हो गया क्या यहाँ से? अरे बापरे यार, क्या नॉच मारा है LPG ने. अरे बापरे यार, गजब धुआं कर दिया यहाँ तो इन लोगों ने. चले हम भी काफ़ी TSR अपने जो लिमिट थी वो क्रॉस करने लगे थे, बट नहीं, अब नहीं करेंगे. भुसावल कटनी पैसेंजर डिपार्टिंग फ्रॉम भुसावल स्टेशन. गाइस आप देख ही सकते हैं कि आज की जो हमारी जर्नी है वो एटलीस्ट 1 आवर की जर्नी रहेगी. सो एक काम करते हैं, थोड़ी बहुत स्पीड लिमिट जो है एक्सीड कर ही लेते हैं. जैसे लिमिट है 15 किलोमीटर पर आवर, सो हम उसे 20-25 तक ले जाते हैं. इससे क्या होगा, हमारी मतलब जल्दी, जहाँ तक हमारा नेपा नगर स्टेशन है मैं नहीं जानता वहाँ तक हमारा कितना डिस्टेंस रहेगा. सो इसलिए ट्राई करते हैं जल्दी चलने की. WKM 3 ऑफ कल्याण शेट स्टैंडिंग इन ETS आई थिंक ऑफ भुसावल स्टेशन. यू नो इट वॉज ETS और समथिंग एल्स, एंड बाई ETS गाइस आई मीन इलेक्ट्रिक ट्रिप शेट. चलिए गाइस, आप देख रहे होंगे हमारी जो 25 किलोमीटर पर आ, जैसे कि मैंने आपसे कहा था 20-25 करते हैं, उतनी हमारी आ चुकी है स्पीड, उतनी ही मेंटेन करते हैं. आगे चल के 50 किलोमीटर पर आर की हमारी लिमिट रहेगी. तो अरे यार, 50 किलोमीटर पर आर की लिमिट तो हमारी काफ़ी दूर तक है, 4 किलोमीटर. चलिए कोई बात नहीं, पैसेंजर ट्रेन है सो भैया क्रॉल करवाना तो रहता ही है पैसेंजर ट्रेन को. पीछे एक्सप्रेस ट्रेन्स भी जाने के लिए रेडी हैं. सो आई होप, मैं यही आशा करता हूँ कि वो हमारी साइड ना आके नागपुर स्टेशन, दोनों आगे जाके नागपुर स्टेशन को जाती है ट्रैक या कहाँ जाती है उधर चली जाएँ. हमारे पीछे लग गई तो ओवरटेक तो हमारा पक्के हैं.
देख रहे होंगे काफ़ी शानदार यहाँ का यार्ड है भुसावल स्टेशन का। वैसे यार कोई फ्रेट ट्रेन नहीं खड़ी, चलिए गाइस आप देख रहे होंगे हमारी 50 किलोमीटर पर आवर का जो है बोर्ड हमारे लोकोमोटिव पे आ गया। तो लोको पायलट जो यही देखेंगे यार जब 50 किलोमीटर का बोर्ड आ गया तो चलो भैया क्या रुकना, तो हम भी चलते ही हैं। 38% थ्रॉटल पावर रखते हैं एस हमारे कई लोकोमोटिव की पावर काफ़ी अच्छी है। वैसे तो कहने को WDM2 है बट पावर काफ़ी तगड़ी दे रखी है इस लोकोमोटिव में, जैसे कि आप देख सकते हैं 43, 44, 45 किलोमीटर पर आवर। चलिए हमारी 50 किलोमीटर पर आवर की लिमिट है, अब इसे फॉलो करते हैं, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। आप देख रहे होंगे काफ़ी शानदार सीनरी लगाई गई है भुसावल स्टेशन के आउटर में। हम जाएंगे अब इटारसी स्टेशन की लाइंस में। वैसे गाइस मेरे को नहीं पता ये ट्रैक्स कहाँ जाते हैं, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। गाइस हमारा नेक्स्ट स्टेशन है, नेक्स्ट स्टॉप है दसखेड़ा स्टेशन। यहाँ से हमें वो 4 किलोमीटर पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 50 किलोमीटर भी हमारी 4 किलोमीटर दूर तक है। सम एक्सप्रेस ट्रेन विद WDP4D स्टैंडिंग इन भुसावल स्टेशन आउटर फॉर इट सिग्नल। जैसे कि गाइस आपने देखा था भुसावल स्टेशन पर काफ़ी सारी ट्रेन्स खड़ी थी, तो मैं भी उनका वेट कर रही हूँ कोई प्लेटफॉर्म का खाली होने का। और यार सीन प्यारा लग रहा है यहाँ से। चलिए थोड़ी बार पावर और बढ़ाते हैं, 50 किलोमीटर पास हमारा चलने का था बट 41 के नियर हमारी स्पीड आ गई यार, ये क्या बात है। आप देख रहे होंगे काफ़ी शानदार कर्व पर अभी हमारी ट्रेन है। चलिए आई थिंक कोई और ट्रेन भी आ गई। डुअल बैक 7 विद बॉक्सर नेचर ब्रेक गोइंग टुवर्ड्स भुसावल स्टेशन। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा स्पीड में अपनी मगन हो गए थे कि कौन सी ट्रैफिक ट्रेन आई है। सो हमारा जो है गाइस ओवर स्पीडिंग हो गई थोड़ी बहुत, 50 किलोमीटर पर आवर का TSR में 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चल रहे थे। वाह गाइस सीन देख रहे हैं आप, कितना डेंजर लग रहा है। अभी मैं यहाँ पे आपको पॉज करके दिखाता हूँ, अभी आप एक मिनट नज़र मारिए कि इतना डेंजर लग रहा है सीन। कुछ होती है यार लोकेशंस रूट में जो मतलब अच्छा लुक देती है रूट को। वाह गाइस एंड आप नीचे देख रहे होंगे पानी पर हमारी शेडो भी चल रही है, नाइस ओपन रेल्स
अच्छा वो आप आ गए, वरना डोंट नो हम MSTS में अपना कैसे गुजारा कर पाते। अरे अरे एको साउंड कहाँ से आ गई, हमने तो इसे इनवाइट नहीं किया। अरे भाई जाओ ना। अरे यार किसकी शादी हो रही है यहाँ पे जो ये इनवाइट हो रखी है। चले लगता है नेक्स्ट टाइम जब हम रुकेंगे तभी ये गायब होने वाली है। अरे बाप रे हमारा जो है ट्रैक चेंज का भी पास आ गया स्विच, और हमने स्पीड रिड्यूस ही नहीं की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से 100 किलोमीटर पर आवर की हमें लिमिट दी जाएगी, बट वो मेन लाइन के लिए थी, हमें जो है वो आगे चल के मिलेगी। ए भाई पूरी ट्रेन नहीं रोकना, हमें अभी स्टेशन में एंट्री भी करनी है। लूप लाइन में तो हम आ गए। वाओ गाइस कोई और ट्रेन भी आ रही है यार, काफी शानदार एंट्री मार रही है कर्व पे। वडोदरा वेपोर विद सम एक्सप्रेस ट्रेन गोइंग टुवर्ड्स भुसावल स्टेशन। चलिए FOB इंक्रीज कर लेते हैं। वाओ गाइस अमेजिंग क्रॉसिंग एंड अमेजिंग सीनरी ऑफ द रूट राइट नाउ। ये गाइस अभी ही लेटेस्ट अपडेट है इस रूट का, रिसेंटली ये मतलब शेयर किया गया है बाय मिस्टर रमेश महाजन जी। अगर आपके पास ये रूट है एंड आपके पास इसका अपडेट नहीं आया है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनसे। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी शानदार हमारा स्काई टेक्सचर है, एंड ये है स्काई डम टेक्सचर नंबर 4। चलिए ब्रेक्स लगाते हैं हम। बस गाइस इस लोकोमोटिव की यही प्रॉब्लम है, इसके ब्रेक्स इतने अच्छे नहीं लगे मेरे को। पावर तो इस लोकोमोटिव में ऐसे डाली गई है जैसे कोई मतलब वेब 7 या वेब 5 हो, बट ब्रेकिंग पावर इस लोकोमोटिव की इतनी अच्छी नहीं है। चलिए 40 सेकंड का हमारा स्टॉप है, वेट करते हैं। अरे यार जैसे कि आप देख सकते हैं मेन लाइन का जो सिग्नल है वो ग्रीन हो रखा है। चलिए कोई आ रही होगी पीछे से एक्सप्रेस और सुपर फास्ट हमें ठोकने के लिए अच्छे से। इतने आगे बढ़ जाएंगे गाइस वरना ये जो रेड एंड येलो सिग्नल है छोटा सा वो जो है उसके आगे के सिग्नल ग्रीन नहीं होने देगा, तो ओपन रेस को तो ये लगेगा कि कोई ट्रेन नहीं है लूप लाइन में। अब वो मेन लाइन के सिग्नल लगाता जाएगा, ग्रीन लगाता जाएगा जितनी भी पीछे आएंगी। चले डिपार्टिंग का हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कृष्णा रजापुरम WDM 3 है विद सम गरीब रथ एक्सप्रेस गोइंग टुवर्ड्स बलरसा स्टेशन, सॉरी भुसावल जंक्शन। दोनों का इस बलरसा स्टेशन की कैसे याद आ गई मेरे को। ऐसा आपने देखा होगा एक विदर्भा रूट भी है MSTS कम्युनिटी में, सो मेरे को उसकी याद आ गई। एस भुसावल स्टेशन नागपुर एंड बलरसा उसी रूट में कवर किए गए हैं, उसमें भी कवर किए गए हैं सॉरी। चलिए अब लगा लेते हैं ब्रेक्स आराम से। अब खाएंगे ओवरटेक आराम से। डोंट नो कौन सी ट्रेन आ रही है यार, जल्दी आए। वाओ गाइस सीन देख रहे हैं आप कितना डेंजर है। एंड नेक्स्ट स्टेशन हमारा रहेगा सबदा। यार सबदा ये क्या है, ये 7.7 किलोमीटर यहाँ से हमें पड़ेगा। चलिए रहेगी हमारी थोड़ी बहुत स्पीड तो।
डोंट नो गाइस, हमारी जो ट्रेन थी वो कब आएगी ओवरटेक करने वाली? आई गेस वो जो कल्याण WDG 3A के साथ कोई ट्रेन खड़ी थी वो आएगी इस टाइम। आई होप जल्दी आ जाए तो हम यहाँ से जल्दी निकलें, इस आज की जर्नी काफ़ी हमारी बड़ी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप ये साउंड सुन रहे होंगे, आई गेस हमारी जो ट्रैफिक ट्रेन है जो हमें ओवरटेक करने के लिए आ रही है वो पास में आ चुकी है। चलिए ओवरटेक खाते हैं यार आराम से। जब से हम यहाँ पर रुक रखे हैं, हम 9:40 के आसपास कुछ आए थे और 9:50 होने वाला है। अरे भाई यार, जैसे यहाँ पर आई तब बड़ा बड़ी गजब नौश मारी है यार लोको पायलट जी ने। एंड सम एक्सप्रेस ट्रेन ओवरटेक कर सेट 10 खेड़ा स्टेशन। वाओ गाइस, मज़ा आ गया। जो एल्को ने साउंड की और ये कोचेस ने जो साउंड की, धमाकेदार यार। एंड लोगों पहले जी का एंड टाइम पे मतलब पावर बढ़ाना, ये चीज़ गजब लगी। मतलब पहले से वो क्रॉलिंग ही मार रहे थे, उनकी भी लगता है 50 किलोमीटर पर आवर की लिमिट लगा रखी थी ओपन रेल्स ने। चलिए अब जल्दी से हमें यहाँ से यार जाने दें। ए भाई, हमारा ट्रैक जो है स्विच कर दो जल्दी, हमने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा। हमारी पैसेंजर ट्रेन है, कोई और एक्सप्रेस ट्रेन पीछे आ गई तो फिर से हमारे लग जाएंगे अच्छे से। चलिए स्विच हमारा हो चुका है, सो डेफिनेटली हमारा अब जाने का सिग्नल मिल जाएगा। और पीछे अगर कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन होगी, हम नहीं जानते उसका क्या होगा, वो यहाँ पे वेट करेगी हमारा। चलिए मे बी नेक्स्ट स्टेशन पे यार हमें फिर से ओवरटेक खाना पड़ जाए। आप देख लेंगे, ये है हमारा कैब व्यू ऑफ दिस लोकोमोटिव एंड द क्रेडिट फॉर दिस गोज़ टू मिस्टर अमरजीत सिंह फ्लोरा जी, एंड द क्रेडिट फॉर दिस लोकोमोटिव रीपेंट गोज़ टू मिस्टर बुरान कंजेता जी। डोंट नो गाइस, अभी तक हमको येलो या अप्रोच क्यों नहीं मिला है? वो ट्रेन ने कोई तो यार सिग्नल क्रॉस कर ही दिया होगा हमारे लिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए गाइस, डिपार्टिंग का हो ही चुका है हमारा, सो हॉर्न बजा देते हैं। एंड भुसावल कटनी पैसेंजर डिपार्टिंग फ्रॉम धसकेड़ा स्टेशन आफ्टर गेटिंग ओवरटेक बाय सम एक्सप्रेस ट्रेन। अब देखे होंगे गाइस, मैंने सिर्फ 13% थ्रॉटल पावर रखी है, उसमें भी इतनी जोर से मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है हमारी। आप देख रहे होंगे 110 किलोमीटर पर आवर की जो TSR है उसमें हम एंट्री करने वाले हैं। चलो यार, काफ़ी स्पीड इंक्रीज हो गई। जब तक हमारा लास्ट को जो है पूरी मेन लाइन पे नहीं आता तब तक स्पीड फुल नहीं करते।
तो चलिए गाइस अब इंक्रीज करते हैं अपनी थ्रॉटल पावर। हमारा लास्ट कोच भी आ चुका है एंड गाइस एक चीज़ अच्छी है, हमारी एक तो ट्रेन भी काफ़ी छोटी है इस बार। मैक्सिमम दोनों कितने कोचेस थे, 10 और 15। वेब 7 विद सम एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मे बी राजधानी एक्सप्रेस गोइंग टूवर्ड्स भुसावल स्टेशन। आप देख होंगे हमारा WDM2 काफ़ी शानदार चगिंग कर रहा है एंड काफ़ी ज़ोर से, यार हमारी स्पीड काफ़ी बढ़ रही है। आप रही पैसेंजर ट्रेन को कहाँ से कहाँ ले गया ये WDM2। रियल में तो गाइस जब तक हम 100% थ्रॉटल नहीं करते उसमें भी कम से कम नहीं तो 4-5 मिनट तो लेते ही वो फुल स्पीड में आने के लिए। चलिए अच्छी बात है, हमारी लोकोमोटिव की एक्सेलरेशन अच्छी है सो अच्छा रहेगा। वैसे बस अभी एक काम करते हैं, इस ट्रेन को ऑटो पायलट जी को दे देते हैं। वैसे चलिए नहीं देते हैं, ग्रेडियंट जो है इतना भी बुरा नहीं है कि हम संभाल ही ना पाए अपनी ट्रेन को। एंड आई होप गाइस आज की जर्नी आपको अच्छी लगेगी, आप ये वीडियो पसंद करेंगे। एंड सॉरी गाइस मैं कल एक वीडियो नहीं डाल पाया था, आप देखें कितनी शानदार सीनरी लग रही है यार। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी रोड से जा रहा हूँ इंस्टेड ऑफ रेल। और बैकग्राउंड में जो ट्री था जो लंबा सा था, आई थिंक ये जो सामने है हमारे राइट हैंड साइड में। चलिए गाइस ब्रेक्स लगा लेते हैं। ऐसा आप जानते हैं इस लोकोमोटिव की पावर का तो कुछ हम तारीफ कर नहीं सकते, जितनी करें उतनी कम है, बट ब्रेक्स के थोड़ी कम ही है यार। चलिए पहले से बैकअप बना के चलते हैं। आप देख होंगे दोनों साइड में गाइस फुल टू सीनरी लगी हुई है। वेब 5 विद सम एक्सप्रेस ट्रेन गोइंग टुवर्ड्स भुसावल स्टेशन। वाओ गाइस आज की क्रॉसिंग्स भी डेंजर हैं, आज की ओवरटेकिंग भी मस्त है। चलिए गाइस हमने जो ब्रेक्स लगाए थे काफ़ी यार अच्छी तरीके से लगाए थे। जब हम स्विच आया है हमारा तो जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं 30 से 35 किलोमीटर पर आवर की लिमिट में ही अपना जो है ट्रैक चेंज करता हूँ।
and Bhusawal Katni passenger arriving at the Savdar station. And some WDG4 is standing in loop line with some BCNA ray. हाँ गाइस, आज का मतलब यार लुक दे रहा है गेम तो ना क्या है. सो गाइस, हाँ मैंने जो है एक तो शिफ्ट प्लस माइनस एक साइन होता है उसको साथ दबाया, तो हमारे गेम में क्या होता है ओपन रेस में जो कलर सेटिंग्स होती हैं वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती हैं एंड मतलब ब्राइटनेस निखर के आती है गेम में कि हाँ लग रहा है यार गेम है. जिसे जिस तरह आप फॉग इंक्रीज करते होंगे इस गेम में, फॉग के जो साइड में ही एक माइनस का बटन होता है, आप उसे प्रेस करें शिफ्ट के साथ, आपको जो कलर सेटिंग है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी. चलो भाई ब्रेक्स लगा लो वरना हमारे सिग्नल की सेटिंग कुछ इंक्रीज हो जाएगी. ए भाई नौकरी से नहीं जाना भाई, ब्रेक्स लग जाओ. चलिए रुक गई हमारी ट्रेन, फिर से 50 सेकंड का स्टॉप है, वेट करते हैं. आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी से लगाया गया है सब कुछ. अरे चल, ट्रैक्स के बीच में घास तो होती है वैसे भी, बट इतनी बड़ी यार सही नहीं लगती ये ट्रैक्स. मेबी ये रमेश जी ने इसको जो है यहाँ लगाया हो, दोनों गाइस आपको मेरा माउस कर्सर दिख रहा होगा या नहीं, मे बी नॉट. सो मे बी ट्रैक से साइड में लगाया हो, बट ओपन रेस ने क्या कर दिया कि उन घास को साइड से ला के ट्रैक के बीच में रख दिया. एंड गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कैसा होगा अगर मैं आप सभी के लिए गेम मतलब खुद प्रोवाइड कर दूँ. जी हाँ, अब आप कुछ और सोच रहे होंगे, दोनों तो क्या सोच रहे होंगे, चलिए मैं उसके बारे में बाद में बात करते हैं आपसे. अभी हम यहाँ से डिपार्ट करते हैं, हॉर्न बजाते हैं. एंड भुसावल कटनी पैसेंजर इज रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम सावदा स्टेशन. सावदा, ओके सावदा स्टेशन है यार, हम सावदा सावदा कर रहे हैं कब से. वाह गाइस यार काफ़ी स्पीडी डिपार्चर भी है हमारा, कोई भैया चढ़ना भी चाहेगा तो वो चढ़ नहीं पाएगा. जी हाँ गाइस, मैं आपसे ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं कि कहीं अगर अपने टूर करता हूँ, कहीं ट्रिप पे जाता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ कि अपना हमें यूट्यूब में कम्युनिटी चीज़ तो मिलती है, सो मैं अपनी पेन ड्राइव अपने साथ लेके चलूँगा जिसमें मेरा पूरा MSTS गेम होगा. मैं आपको अपना ट्रेन सेट फोल्डर दूंगा, मेरे पास जितने रूट है वो मैं आपको दूंगा, ना कोई चार्ज लूँगा आपसे ना ही कुछ. एक लोकेशन होगी, बस आपको वहाँ आना है, मेरे से ये गेम लेके चले जाना है. ठीक है, मुझे अच्छा ही लगता है कि आप सभी कमेंट करते हैं ये गेम कैसे डाउनलोड करें, कहाँ से लाएं, कैसे सब करें. तो एक टाइम पे मैं भी था यार कि मैं नहीं कर पाता था, तो सीनियर से हेल्प लो, सीनियर्स रहे बिजी तो वो रिप्लाई नहीं करते थे. मेरा भी अब गाइस ऐसी हो गया है, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता, तो आप सोचते होंगे यार ये भाई तो ऐसा ही कि रिप्लाई नहीं करता. सो गाइस अभी मेरा एक ट्रिप है टू दिल्ली, मैं ट्राई करूँगा कि अगर आप सभी दिल्ली से हैं, जो भी मैं वीडियो देख रहा हूँ यहाँ तक, जो यार काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई, सो जो भी यहाँ तक देख रहा हूँ अगर आप दिल्ली से हैं, सो मैं रिसेंटली अभी दिल्ली आने वाला हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि एक पेन ड्राइव में अपना पूरा गेम लेके आऊँ, पूरा इंस्टॉल्ड गेम, और आपको वो पूरा गेम दे दूँ विद माई ट्रेन सेट फोल्डर. एंड यस गाइस, जो मतलब प्राइवेट थिंग्स हैं, एग्जाम्पल चलिए एक ट्रैफिक को जाने देते हैं. झांसी WDG3 है विद द PTPN रेक क्रॉसिंग सावदा स्टेशन.
सुभाष मैं ये कह रहा था कि जो प्राइवेट स्टॉक होते हैं, जैसे कि गौरव वेदी जी ने मेरे से कुछ प्राइवेट स्टॉक शेयर किए हैं एंड कुछ रूट हैं जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता, एग्जांपल खंडेश रूट एंड साउदर्न जीटी वर्जन 2, सो मैं ये सब आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। जो भी चीज़ पब्लिकली अवेलेबल है वो चीज़ मैं सारी आपके साथ शेयर कर दूँगा। सो आप बता सकते हैं कि अगर मेरा ये ऑप्शन ठीक है या नहीं कमेंट सेक्शन में। अगर ठीक है तो हम ट्राई करेंगे कि आपको पूरा गेम प्रोवाइड कर सकें फुली फ्री, आपको किसी से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मेरा गेम एटलीस्ट नहीं तो 25 से 35 GB के अंडर है। एंड अगर गौरव वेदी जी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता हूँ कि आपको कोई स्टॉक इधर ना हो या शेयर ना हो। चलिए काफ़ी पावर हमारी इंक्रीज हो गई है, सेकेंड्स के अंदर हमारे लोकोमोटिव ने 110 किलोमीटर पर आवर के नियर स्पीड कैच कर ली। चलिए आगे हमारी 105 किलोमीटर। वैसे गाइस आई डोंट थिंक सो कि मैं अब इस एक्टिविटी को नेपा नगर स्टेशन तक लेके जा पाऊँगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25-30 मिनट ही बाकी हैं इस एक्टिविटी को एंड करने के लिए। आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी सीनरी बिछवाई गई है। आफ्टर भोपाल इटारसी दिस इज माई सेकेंड मोस्ट फेवरेट सेक्शन इन दिस रूट। अरे बापरे हमारी स्पीड कितनी है, अच्छा 105 की हमारी लिमिट है, हम 100 ऊपर जा रहे थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा अगला स्टॉप भी आप पास आ रहे हैं एंड वो है निम्बोरा स्टेशन। वैसे अगर कहना पड़ेगा इस स्टेशन को मैंने, मतलब ये रूट में ये सेक्शन को थोड़ा एक्सप्लोर किया था, तो सबसे फेवरेट जो मेरा स्टेशन मुझे लगा वो निम्बोरा स्टेशन लगा। इस स्टेशन की गाइस जो सीनरी है वो आप भी कहोगे यार हाँ कुछ तो है। आप देख रहे होंगे जब दूर दूर तक पूरी सीनरी बिछी हुई है एंड आप ये देख रहे होंगे गाइस ये थोड़ी अजीब चीज़ है। ये गाइस ऐसा है कि अगर हम यहाँ से स्पीड में जाते हैं तो लगता है कि हाँ यार हमारी ट्रेन स्पीड में है, बट अभी जो है हम थोड़ी कम स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि पैसेंजर ट्रेन है एंड आगे स्टेशन है हमारा स्टॉप है। सो ये थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा बट ये अजीब नहीं है जब हम यहाँ से स्पीड में जाएंगे, जैसे कि अभी तो यार हमें पता नहीं चल पाएगा। चलिए आगे अगर होगा तो मैं बताऊँगा आपको। आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में पूरा खेत ही खेत है, दिखाया गया है कि हाँ एक इंडियन रूट है। वाओ गाइस, अरे यार हमारा धुआं कैसे निकल रहा है लोकोमोटिव में से। तो
जैसे कि आप देख सकते हैं काफी प्यारा सीन है यार स्टेशन का, निम्बोरा स्टेशन। बस एक मिनट, इधर साइड और था, चलिए इस साइड का जो जो प्लेटफॉर्म है वो भी पास नहीं आया। दोनों गाइस हमारी ये ट्रैक टेक्सचर्स में ये मतलब शार्पनेस कैसे आ जाती है इसके कर्व पे। शुश भागो यार, दोनों कैसा लुक दे रहे हैं हमको। ये गाइस आप देख रहे होंगे कैसा लग रहा है रूट यहाँ से देखने में। ये चीज़ मैं बार बार देख रहा था जब मैंने अपग्रेड इस रूट में डाला था। अरे यार ये हम जब डायरेक्शन की से अपना कैमरा जो मूव करते हैं तो ना तब क्या हो जाता है हमारे ओपन रेस में। चलिए भाई ब्रेक्स लगा लेते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म भी दूर चला गया लगता है। ए भाई रुक जा, ज़्यादा आगे ना जाना, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलिए भैया अभी पैसेंजर्स हमको अच्छे से गाली सुना देते कि यार पैसेंजर ट्रेन में बैठे हैं और रोक नहीं रहे हो स्टेशन पे, हैं सीनरी का मजा उठा रहे हो। चलिए देखते हैं क्या होता है, ओवरटेक होगा या कोई क्रॉसिंग होगी। बीस सेकेंड के अंदर डिपार्टिंग, चलिए हॉर्न बजा देते हैं। एंड सो भुसावल कटनी पैसेंजर इज फुली रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम निम्बोरा स्टेशन। दोनों कैसे ट्रैक्स को क्या हो रखा है हमारे यार, ये अच्छा लुक नहीं दे रहे। आई होप गाइस हमें सिग्नल मिल जाए, अगर यहाँ पर रुकवा लिया तो पक्का ओवरटेक होना है। एंड आई थिंक कोई ट्रेन भी आ गई। चलो सिग्नल मिल गया। वैग 9 विद बीसीएन एचएल ब्रेक गोइंग टुवर्ड्स भुसावल स्टेशन। चलिए गाइस फिर से स्पीड डिक्रीज करते हैं, एज ए पूरी ट्रेन जो है हमारी मेन लाइन पे नहीं आई है। लेवल क्रॉसिंग, चलिए अब बढ़ाते हैं। वैसे गाइस आज हमें आप देख रहे हैं 100% थ्रॉटल पावर की जरूरत नहीं पड़ रही, बस 63-75 ही हमारा काम कर रहा है। Thank you.
एक्चुअली फ्रेंड्स अभी तो इस ट्रेन को जो है ऑटो पायलट जी को दे देते हैं। एज नेक्स्ट स्टेशन जो है वो है हमारा रवेर स्टेशन, वो यहाँ से पड़ेगा हमको 6 किलोमीटर। हेवी गाइस ट्रैक्स के जो अल्फा चैनल है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, दैट्स व्हाई ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं। चलो ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो है कोई और ट्रैक टेक्सचर्स यूज कर लें। आई होप बस अब हमारा ओवरटेक हो जाए यार। चलिए बस दो स्टेशन हमारा खाली गए, एक स्टेशन पर ओवरटेक हो गया, अब एक और स्टेशन पर हो जाए तो लगेगा यार पैसेंजर चला रहे हैं। देयरफॉर विद सम एक्सप्रेस ट्रेन गोइंग टुवर्ड्स भुसावल स्टेशन। चलिए गाइस एक काम करते हैं, अब ऑटो पायलट से अपनी ट्रेन ले लेते हैं, वरना ये जो है कम से कम नहीं तो 60-70 की स्पीड पे हमारा ट्रैक चेंज करा ही देंगे। अरे बाप रे यार हमारे ब्रेक्स क्यों नहीं लग रहे। ए भाई 100 के नियर हमारी स्पीड पे ट्रैक चेंज नहीं करना है हमको। और गाइस आई थिंक हमारे यहाँ पे एस कर्व हो सकता था, बट हमारी ट्रेन जो है काफ़ी छोटी है सो वो लगेगा नहीं कि एस कर्व है। आई थिंक गाइस अब हमें पूरे ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे अपने, काफी धीरे हमारी जो है स्पीड रिड्यूस हो रही है। ए भाई इमरजेंसी ब्रेक्स लगो, जल्दी से ट्रेन रोको यार, ट्रैक चेंज हमें 50 से ऊपर नहीं करना। चलिए अब इंजन ब्रेक भी रिलीज करते हैं, ट्रेन ब्रेक भी रिलीज करते हैं, भाई आउटर में नहीं रोकनी ट्रेन। तो चलिए गाइस अब हमारा स्टेशन आ चुका है नेक्स्ट स्टेशन, जो कि है रवेर आई थिंक। अरे यार हमारा FPS ड्रॉप क्यों हो गया था अभी, दोनों गाइस क्या था यहाँ पे। वैसे सीनरी तो है, मे बी उसी की वजह से हुआ हो। ये लाइट क्यों ऑन है, ये तो आई थिंक लाइट टेक्सचर होगा, तो नहीं ये ऑन क्यों है। एंड इट्स रवेर, ओके यार हम कब से रवेर कर रहे थे, इसलिए कोई बात नहीं।
भाई तुमको किसने बुलाया? तुम बार बार राजा रहे हो हमारे क्या कहते हैं गेम को लुक जो है बिगाड़ रहे हो बार बार। एंड दैट WDG4 वॉज विथ सम हाई कैपेसिटी पार्सल वैन रेक। अजिनी वेब 7 विद दुरंतो एक्सप्रेस गोइंग टुवर्ड्स भुसावल स्टेशन। वाओ गाइस ये देख रहे हैं आप कितना डेंजर लग रहा है। बस यहाँ पर वो फिर से दोनों ट्रैक्स के अल्फा चैनल में कुछ फिर से प्रॉब्लम हो ही जाएगी जैसे कि मैंने आपसे कहा था। बेबी गाइस जो हमने शिफ्ट प्लस माइनस से जो कलर की सेटिंग्स थोड़ी इंक्रीज की है मे बी उसी की वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा हो। चले ब्रेक्स लगाते हैं एंड बाद में चलते हैं यहाँ से। अभी तो पैसेंजर्स ही बैठाने पड़ेंगे। चलो भाई जल्दी से पैसेंजर बोर्डिंग कंप्लीट करो। आज की जर्नी काफ़ी हमारी लंबी हो गई है सो हमें रेस्ट चाहिए। अब लोको पायलट जी को क्रू चेंज भी जहाँ तक है गैस इटारसी स्टेशन पे ही होता होगा इस ट्रेन का एज वो बड़ा स्टेशन है प्लस जंक्शन है। एंड भुसावल कटनी पैसेंजर इज रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम रावेर स्टेशन। अरे यार चलिए कोई बात नहीं अब फिर से वेट करना पड़ेगा। हम बस कुछ सेकंड से पीछे थे गाइस कि हम यहाँ से निकल जाते बट जो है मेन लाइन का सिग्नल ग्रीन हो चुका है सो कोई चांस नहीं है हमारे पास कि हम यहाँ से सेफली निकल जाएंगे। चलिए पिटने के लिए रेडी रहते हैं। चलिए अब रोक लेते हैं अपनी ट्रेन और वेट करते हैं यार कौन सी ट्रेन आएगी। आई होप जो भी आए कुछ स्पीड में जाए यार। भाई कैसे भगाना है यार इस अल्फा चैनल को कहीं पर सही है कहीं पर गलत है दोनों का क्या चीज है। आई थिंक गाइस जो ट्रैफिक ट्रेन है वो आ ही गई। जी हाँ कोई एक्सप्रेस ट्रेन है आई थिंक विद WDP4D और बूटी शेड।
Wow, yeah. WDG4 with a single caboose going towards Bhusawal station. Actually, maybe koi emergency duty hogi. And don't know guys, इस एक्सप्रेस ट्रेन को यार कई को जाने दिया, आगे लगता टी एस आर है, इससे तो हमें ही जाने देते. एटलीस्ट हमारी पावर भी तो अच्छी है, हम ज़्यादा एक्स्ट्रा एरिया कवर कर लेते एक्टिविटी में. एंड डोंट नो गाइस, हमारे अभी भी जो ट्रैक की जो अल्फा चैनल है स्टिल इट्स लाइक दैट ओनली. ये क्या था, ये साउंड आ रही थी फिर एकदम चली गई. चलिए ये अच्छी बात है, कोई एक्स्ट्रा ओवरटेक नहीं है, अब सिर्फ सिंगल ओवरटेक था. सो रेडी रहते हैं, अपने ब्रेक्स रिलीज करके. क्या पता यार कब हमें सिग्नल मिल जाए और कब जाने को बोल दिया जाए. ज़्यादा देर यहाँ पे खड़े रहेंगे तो अनाउंसमेंट हो जाएगी कि भाई भुसावल कटनी पैसेंजर के लोको पायलट गेट पे अपनी गाड़ी निकालें यहाँ से. आई थिंक इस आगे जो है यार कर्व तो नहीं है इतना डेंजर कि ओके 75 की लिमिट दिख तो रही है, मे बी उसी की वजह से स्टॉप करवाई हूँ. चले डिपार्टिंग के लिए हॉर्न बजा देते हैं. एंड भुसावल कटनी पैसेंजर डिपार्टिंग फ्रॉम रावेर स्टेशन. वाओ यार पीछे से कोई और ट्रेन भी आ गई एंड स्टिल हमको जाने दे रहे हैं. चलिए अच्छा ये भागो भाई भागो जल्दी से. तुरंत तो यार राजधानी लग रही है गाइस, उसे रुको, कहीं हमें पीछे लगवा के इसको आगे ना निकाल दें, इसलिए पहले ही निकल लेते हैं यहाँ से. सो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, हमारी पूरी ट्रेन जो है मेन लाइन पे आ चुकी है. अब पढ़ाते हैं अपनी स्पीड यार, हमें अब फ़र्क नहीं पड़ रहा इस TSR से, इतनी तो ऐसी की तैसी हमें इतना मतलब पैसेंजर ट्रेन ही चला रहे हैं यार, ऐसा लग रहा है. अब क्रॉलिंग नहीं मानना भाई एंड टाइम पे. एंड क्रॉसिंग सम ब्रिज, दोनों गाइस नाम क्या होगा इस ब्रिज का. चलिए 100% टोटल पावर रख देते हैं. इज्जत नगर WDP4D विथ सम AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस गोइंग टुवर्ड्स भुसावल स्टेशन. वाओ गाइस, हमारा कटनी WDM2 की आप मतलब शक्ति देख रहे हैं, कितना डेंजर यार छगी मार रहा है. सो गाइस आप देख रहे होंगे अब ऐसा लग रहा है कि हमारी ट्रेन स्पीड में है, यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इस साइड भी होगी जैसे कि आप देख सकते हैं.
110 से ऊपर ले गए हम अपनी ट्रेन जो कि ICF है। चलिए कोई बात नहीं, गेम है, रियल में ऐसा नहीं करेंगे कोई भी लोको पायलट। अगर ट्रेन 110 से है तो उसे 110 से ऊपर वो नहीं लेके जाते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेशन इज बगोड़ा। यार ये क्या नाम था, ये कैसा नाम हुआ यार, बगोड़ा मे बी बगोड़ा होगा गाइस, बगोड़ा नहीं होगा। आप देख सकते हैं वो बैठे हमारे लोको पायलट जी, हम असिस्टेंट लोको पायलट हैं इस लोकोमोटिव के। दोनों कैसे वो पीछे क्यों देख रहे हैं, ट्रेन तो यार इस साइड जा रही है, आप पीछे का देख रहे हैं। चलिए गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमें फिर से यार लूप लाइन में दलवा दिया गया है ऑफ बगोड़ा स्टेशन। ब्रेकिंग के साथ यार अब रेडी रहते हैं, ब्रेक अपने लगा ही रखते हैं। एस 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हमें एंट्री मारनी है, प्लस 1 किलोमीटर बाकी है गाइस। वैसे यार वहाँ तक हम क्रॉलिंग तो मार ही सकते हैं जहाँ तक है। चलिए यार अभी 40 की स्पीड के आसपास चेंज कर लेते हैं ट्रैक, अगर आ गई 35 तक तो क्या कहनी, वरना 40 ही ठीक। चलिए 35 किलोमीटर पर आर के नियर हमारी ट्रेन जो है आई चुकी है। कल्याण WTM 3 है विद सम पैसेंजर ट्रेन गोइंग टुवर्ड्स भुसावल स्टेशन। आई थिंक गाइस इस ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, मे बी फास्ट पैसेंजर हो दैट्स वाई, वरना इतनी स्पीड में यार एकदम से निकालेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है। चलिए क्रॉसिंग अच्छी रही, ये चीज़ अच्छी है, ये नहीं कि कोई ऑडियो फाइल ख़राब हो तो उसकी साउंड यार अजीब ही टाइप आ रही है। आप देख रहे होंगे काफ़ी शानदार गाइस सीनरी लगाई गई है एट बगोड़ा स्टेशन ऑल्सो। चलिए गाइस नेम देखते हैं यार, पहले स्टेशन का नेम क्या है। ओके इट्स बगोड़ा। अरे यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेन लाइन का सिग्नल जो है अप्रोच कर दिया गया है।
चलिए पैसेंजर ट्रेन है तो यार इंसल्ट कराओ गई तुम लोग। करा लो बेटा करा लो, हम भी रिवेंज लेंगे। गुस्सा आ गया तो भैया हम तो सिग्नल ही ब्रेक कर लेंगे, वैसे ऐसा नहीं करने वाले, अभी ब्रेक्स लगा लेते हैं। ए भाई ब्रेक्स लग जाओ, हमारा प्लेटफॉर्म पीछे रह गया। तो फ्रेंड्स चलिए इस स्पेशल एक्टिविटी को अब यहीं पर फिनिश कर देते हैं, काफ़ी देर से हम जर्नी कर रहे हैं। एंड आई होप रमेश जी आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि एज ए स्पेशली आपके लिए ही मैंने बनाई है। चलिए जब तक ओवरटेक नहीं होता तब तक एंड नहीं करते, हम ओवरटेक भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स अब इस वीडियो के लिए इतना ही, अब जो एक्टिविटी का बाकी का पार्ट है वो भी आएगा, बट वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा मे बी आफ्टर 1 वीक और 2-3 डेज। अब आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी हो तो, आपको पूरी जर्नी मतलब लगी कि हाँ यार मस्त थी वीडियो, तो अब आप लाइक कर देना, वरना तो कोई बात नहीं। आप कमेंट भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ भी कि आप, या फिर नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि जो भी आप बताएंगे वो बना पाऊँ। तो अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियोस देखते रहें। बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।